बहुमुखी प्रतिभा के मालिक पाकिस्तानी एक्टर अली जफर, जो पेशे से एक गायक, गीतकार और संगीत निर्देशक भी हैं, सबको अपनी कला से हैरान करते रहते हैं। और इस बार अपनी लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क की को-स्टार अदिति राव की तस्वीर बनाकर अली ने अपने एक और पहलू को लोगों के सामने पेश किया। अली बताते हैं कि किस तरह उन्होंने होटल की लॉबीज में लोगों की पेंटिंग्स बनाई जिससे वो संगीत की दुनिया में कदम रख सके। मैंने अपने करियर का एक्चुअली स्टार्ट किया एक होटल लॉबी में, मैं बैठ के पेंटिंग्स बनाया करता था लोगों की, 20 मिनट स्केचेस, और ये तब मैं 18 साल का था। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्केचेस बना के आहिस्ता आहिस्ता से पैसे इकट्ठे किए कि मैं अपनी म्यूजिक एल्बम बना सकूँ, अपने गाने रिकॉर्ड कर सकूँ। फिर मैंने वो रिकॉर्ड किए, फिर अपनी म्यूजिक वीडियो बनाई, साथ साथ मैं पढ़ रहा था, साथ साथ थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर रहा था, जस्ट सो कि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं अपनी म्यूजिक एल्बम बनाने का और म्यूजिक वीडियो बनाने का। 3-4 साल लगे मुझे, और फाइनली जब वो रिलीज हुई तो इट वाज मेरी मेहनत रंग लाई, रातों रात वो गाना छन्नों की आंख में वो गाना था, इट बिकेम अ बिग हिट। अली अपनी सबसे अजीज पेंटिंग के बारे में बताते हुए कुछ शर्मा से गए। आई थिंक आई हैड मेड अ पेंटिंग ऑफ समवन अ लॉन्ग टाइम बैक, एंड दैट वाज अ quite an emotional painting that was made, lekin phir wo rahi nahi. Would you like to elaborate more on that? Ek personal sa kissa hai purana. Yeah, we could understand why the. Unki shaadi kahin aur hogi to wo painting jo hai wo. अली फिलहाल लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अनु मेनन के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2 मार्च को रिलीज हो जाएगी।